हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। मैग्नेटिक डाइपोल, और वो भी हम बात करेंगे किसी भी बार मैग्नेट के लिए। अब देखो, तुमने डाइपोल के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सिमिलर वे में हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ही मैग्नेटिक डायपोल होता है, ओके? और जब हम इस मैग्नेटिक डायपोल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या कुछ इफेक्ट्स होता है, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके? सो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसके पास टू इक्वल एंड अपोजिट पोल, किसी भी एक बार मैग्नेट में, या फिर यू कह सकते मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ एज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ओके? ये टू इक्वल और अपोजिट पोल्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, ओके? तो वो जो सिस्टम हमारा बनता है वो कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इस पोल का QM, सिमिलर वे में इसका भी है QM, ओके? अब यहां पे होता क्या है कि हमारे पास ये पोल होता है, मान लीजिए नॉर्थ, ये पोल हमारा है साउथ। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा, वो हमारे पास होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दैट इज क्यू एम, और सेपरेशन हम इनके बीच का मान लेते हैं दैट इज 2L। सो M हमारा बना क्यू एम इंटू में 2L, ओके? और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? और सेकंड इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, m वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू एम इंटू में 2l का वेक्टर, ओके? अब ये हमारे पास जो 2l है, ये हमारे पास होता है डायरेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बार मैग्नेट के लिए साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ होती है डायरेक्शन। अगर मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है तो इनसाइड द मैग्नेट होगा, तो ये हमारा साउथ, और ये तो इनसाइड में तो होगा साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड में होगा नॉर्थ से साउथ, ओके? तो ये हमें जो 2L है ये हमें रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ओके? और इसमें हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा, जिस प्रकार तुमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था कि जिस भी किसी में जो हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था डायपोल मोमेंट का, उससे अपोजिट होता था, बट इसमें हमारे पास सेम रहेगा। जिस साइड में हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी में हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ओके? और इसको अगर मैं बात करूं यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हमारे पास होगी एम्पियर मीटर। इसके बारे में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अगर डाउट हो तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, किसी भी एक रिंग के लिए या किसी भी एक सर्कुलर आर्क के लिए हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला, दैट इज एम इज इक्वल टू NIA, ये एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है, तो यहां से हमने इसकी यूनिट ड्राइव की है। तो ये हमारे पास यूनिट आई, दैट इज इसको हम बोल सकते हैं पोल स्ट्रेंथ, ओके? ये यूनिट हमारे पास बनता है क्यू एम का। अब हमें यूनिट निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट का, सो M वेक्टर हमारा आया Q इंटू में 2L, QM। तो M वेक्टर हमारा बना, ये हमारे पास क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वेयर। एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये हमारे पास चार्ज नहीं है। कभी कोई बच्चा कंसीडर कर बैठे कि QM इज द चार्ज, ओके? ये हमारे पास चार्ज नहीं है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ओके? और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है यहां तक की चीजें? अब हम बात करते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा।
डायमेंशन फॉर्मूला हम यहीं से क्रिएट करेंगे। एम का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम मास जीरो, एल लेंथ क्या है हमारे पास एल स्क्वेयर, और टी हमारा कितना है टाइम जीरो, और करंट के लिए हमारे पास एम्पियर आई, या फिर हम इसको ए बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, इसका होगा पावर वन। ये हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो अभी हम कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक लेंथ। अगर हम इन दोनों, ज्योमेट्रिकल लेंथ हमारे पास क्या होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ हमारे पास होती है ये हमारे पास अगर मान लो एक बार मैग्नेट है, सो इसका जो ये वाला जो लेंथ होगा हमारे पास एल जी, ये हमारे पास होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, और ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा हमारे पास वो कहलाएगा लेंथ ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ। सो अगर हम इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो जो मैग्नेटिक लेंथ होता है, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, उसका रेशियो होता है 0.8 लगभग। ओके, अगर ये मान लो तुम्हारा जो टोटल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, अगर इसका लेंथ हमारे पास 7 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल इज द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज नोन टू एग्जिस्ट इन नेचर। हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल है दैट इज एम, उसका होता है हमारे पास फॉर्मूला क्यू एम इंटू में 2L। ये हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें डायरेक्ट किसी भी बार मैग्नेट से मिलती है। अगर ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इनका बीच का अगर डिस्टेंस हमारे पास 2L दे रखा है, तो हम इसको डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल इसके अंदर। अगर मान लो हम किसी मैग्नेट को टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ 2L है, और यहां से एक पोल स्ट्रेंथ दैट इज क्यू एम, ये भी क्यू एम, इसको लिख देते हैं नॉर्थ और साउथ। ओके, अब हमने क्या काम करा, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक मोमेंट, वो हमारे पास एम वेक्टर है, हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमने इसको इस तरह से कट कर दिया। ओके, अगर हम इस तरह से कट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एम वेक्टर जो होगा वो, अब ये पोल स्ट्रेंथ हमारे पास टोटल थी तो ये हाफ होगी क्यू एम बाई टू इंटू में टू एल। ओके, ये हमने जनरल फॉर्मूला इसका रीड आउट कर रखा है। तो हमारे पास एम वेक्टर क्या बना, अगर मैं इसकी पहले वाली पोल स्ट्रेंथ जो भी थी हमारे पास, अगर हम उसको मानते हैं एम, तो मैं इसको एम डैश मान लेता हूं, और इसका जो एम वेक्टर था वो था हमारे पास क्यू एम इंटू में टू एल। तो एम डैश वेक्टर क्या आया हमारे पास, दैट इज एम वेक्टर डिवाइडेड बाय टू। कहने का यहां से मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो हम किसी भी मैग्नेट को बीचों बीच लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाता है। अब हम सिमिलर वे में बात करते हैं, अगर मान लो हम किसी मैग्नेट को अगेन इक्वल हाफ में डिवाइड करते, लेकिन अब की बार हमने ऐसे कर दिया, पहले इसकी पोल मैग्नेटिक डायपोल था एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू में टू एल। ओके, और इसका लेंथ हमारे पास अगेन टू एल, सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास ये हो गया। अब नया वाला जो बनेगा एम डैश, वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होना चाहिए था क्यू एम इंटू में टू एल। क्यू एम तो यहां पे सेम है, अब की बार डिवाइड क्या हो गया, हाफ लेंथ,
सो यहां पे आ जाएगा ओनली एल। सो हम यहां से लिख सकते हैं एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एम इनटू में एल, लेकिन हमारे पास यहां टू है तो मैं इसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर रहा हूं। ओके तो ये हमारा बना एम वेक्टर बाय टू। कहने का यहां से मेरा मींस ये है कि अगर हम मैग्नेट को लेंथ के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं या परपेंडिकुलर तोड़ते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों केसेस में हाफ हो जाता है। ओके अभी हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा है, अब हम बात करते हैं कि उस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग पॉइंट्स पे कितना आता है, कैसे वैरी करता है। इसके लिए हम मानते हैं सबसे पहले कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट की हम बात करते हैं तो हमने एक बार देखा था कि एक्सियल का मतलब होता है कि उसके पोल्स को पोल्स हैविंग सेम लाइन, जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल लाइन। कहने का मतलब यहां से मेरा यह है अगर हमारे पास ये अगर कोई एक बार मैग्नेट है, ओके ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका ये पोल साउथ और नॉर्थ, और ये इसका जो एक्सिस है इसी एक्सिस पे हमने यहां ये कोई पी पॉइंट माना है जहां पे हमने नॉर्थ पोल को रखा है। ओके अब ये नॉर्थ पोल रखने के कारण इसके कुछ पैरामीटर्स और लिखता हूं मैं। ये लेंथ हमारे पास 2L है और ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारा x बनता है और इसका पोल स्ट्रेंथ हमारे पास m वेक्टर है दैट इज क्यू एम इनटू में 2L। ओके ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है। अब देखो हमें पता है कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसको मैं पॉइंट मानता हूं A, इसको पॉइंट मानता हूं B। सो इसमें क्या बनेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P से B से P की तरफ होगा BP ड्यू टू N, नॉर्थ पोल की वजह से रिपल्सिव होगा। अब ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो यहां से होगा P से A की तरफ, एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी ए और ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बी टू पी। ओके अब हमें इस चीज का पता लग गया कि भी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी नेट हमारे पास होगा इसका हमें सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बी पी माइनस बी ऑफ पी ए। ओके अब हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं बी पी की। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी पॉइंट ड्यू टू दिस, इसका लेंथ क्या होगा हमारा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक्स बनता है, ये एल है तो ये कितना बचा एक्स माइनस एल। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगा वो हमारे पास आता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू में क्यू एम डिवाइडेड बाई हमारे पास लेंथ, लेंथ कितना है हमारे पास ये डिस्टेंस एक्स माइनस एल का होल स्क्वेयर। ओके और सिमिलर वे में बी ऑफ पी ए वो हमारे पास होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू एम बाई, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास l है, सो x प्लस l का स्क्वायर। अब देखो हमें पता लग रहा है कि डिनोमिनेटर में ये टर्म छोटा है, तो अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी। सो मैंने यहां पे क्या लिखा है, बड़ी में से छोटे वाले वैल्यू लेस कर दी,
सो बी हमारे पास आएगा बीपी, ये वैल्यू इन दोनों में देखो कॉमन नजर आ रहा है तुम्हें म्यू नॉट क्यू एम डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1 बाई x माइनस l का स्क्वेयर माइनस 1 बाई x प्लस l का स्क्वेयर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है हमें आंसर। सो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू, इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का स्क्वेयर। ओके, क्योंकि ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर और ओवरऑल स्क्वेयर था। ये नंबर यहां जाएगा तो ये मिलेगा x प्लस एल का स्क्वेयर माइनस x माइनस एल का स्क्वेयर। ओके, तो ये हमें मिलेगा म्यू नॉट 4 पाई क्यू एम इंटू, इसका ओपन करेंगे स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर तो बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2xl और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर प्लस 2xl, अपॉन में है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का स्क्वेयर। ओके, तो b की वैल्यू हमारे पास आती है म्यू नॉट क्यू एम डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4xl डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर की पावर 2। अब इसमें हम 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2, सो 2 इंटू में 2, तो ये क्या बना क्यू एम इंटू में 2l, क्या होता है डायपोल मूवमेंट, सो म्यू नॉट 2 म्यू नॉट m x अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये हमारे पास स्मॉल m मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हमारे पास आंसर मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 mx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का स्क्वेयर। अगर मान लो हमारे पास आइडियल डाइपोल है, आइडियल डाइपोल, अगर आइडियल डाइपोल होगा तो लेंथ हमारा बहुत छोटा होगा, अगर लेंथ हमारा बहुत छोटा होगा तो हम यहां से लिख सकते हैं एल स्क्वेयर इज वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वेयर। सो ये मिला हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड आया बी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट m x डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, एल कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2m डिवाइडेड बाई 4 पाई x³। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए, हमने जो वहां पढ़ा था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आया था वो भी सेम आया था। वहां पे आया क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया था 1 अपॉन 4 पाई ε₀ p/2 p/x³, वो ये हमारे पास वहां आया था। ओके, तो सिमिलर आता है, सिमिलर वे में हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इक्वेटोरियल के लिए हम बात करते हैं, हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है। इक्वेटोरियल का मतलब हमारे पास होता है उसके बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर, ये अगर ओरिजिन है तो इसका जस्ट परपेंडिकुलर यहां, ये पॉइंट हमारा P है जहां पे हमने अगेन नॉर्थ पोल रखा है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा वो हमारा होता है एक्सियल पॉइंट। जैसा कि हमें पता है यहां नॉर्थ पोल यहां नॉर्थ पोल, दोनों में क्या होगा रिपल्सन बाहर की तरफ, इन दोनों में ये साउथ ये नॉर्थ दोनों में अंदर की तरफ। ओके, तो इसको मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का लेंथ हमारे पास 2l, ये डिस्टेंस हमारा x है, तो ये बनेगा हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये भी हमारा सेम आएगा रूट एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसको हम मानते हैं ये वाला जो रिपल्सिव है ये पॉइंट हमारा a है,
ये हमारा B है, तो ये हमारा बना B से P की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B से P की तरफ, और ये हमारा बना मैग्नेटिक फील्ड N से A की तरफ। ओके, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। सो B ऑफ BP हमारा मिलता है म्यू नॉट क्यू एम डिवाइडेड बाई 4 पाई डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास रूट में, स्क्वेयर करेंगे कैंसिल होगा, तो बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एल का स्क्वेयर। सिमिलर वे में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन ए, वन सेकेंड, ये हमारा पी पॉइंट है, तो ये हमारा बनेगा पी ए। वो भी हमारे पास क्या मिलेगा, क्यू एम डिवाइड, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये वैल्यू भी सेम होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो हम बी नेट, हम जानते क्या होते हैं, 2 बी कॉस थीटा बाई 2। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ रखा है वेक्टर्स वाले चैप्टर में कि दो अगर फोर्स इक्वल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अगर एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा, बट एंगल 2 थीटा, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो बी एंड हमारा मिलेगा 2। बी का वैल्यू हमारे पास यहां दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट क्यू एम डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इन टू। अब ये कॉस थीटा बाई 2, थीटा हमारा कितना है, टोटल 2 थीटा, और थीटा बाई 2 करेंगे तो ओनली कॉस थीटा। सो बी नेट की वैल्यू हमें मिली, वो होगा हमारे पास 2 म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू में कॉस थीटा। यहां से हमारा कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारा कितना है, एल, हाइपोटेन्यूज हमारा ये रहा रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो मल्टीप्लाई एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको सोल्व करेंगे तो बी एन हमारा बना म्यू नॉट क्यू एम इंटू 2 एल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। अब 1 पावर ये था, हाफ ये हो गया, कितना हुआ टोटल, 3/2। अब बी एन की वैल्यू हमारे पास आई, बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एम 2L, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, अपॉन 4 पाई इंटू में ये पूरा कंप्लीट एक्स स्क्वेयर एल स्क्वेयर की पावर 3/2। 4 आइडियल डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर इज वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वेयर, सो वी कैन राइट बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स की पावर क्यू। ओके, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर द इक्विटोरियल। हमने एक्सियल में पढ़ा था, वो यहां पे 2 आ रहा था, यहां पे 2 नहीं है। सो अगर मैं दोनों का रेशियो लिखता हूं, अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा बी ऑफ एक्सियल बी ऑफ इक्विटोरियल इज इक्वल टू 2। तो कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट बी एक्सियल इज द डबल ऑफ द इक्विटोरियल। ओके,